डॉक्टर कमरबाज़ जैदी आज अपने लेक्चर में एन सी आर टी बायोलॉजी एलेवेंथ क्लास चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड को लिविंग वर्ल्ड के मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करूँगा चैप्टर फर्स्ट से पहले लेफ्ट साइड पर देखिए आप अर्न्स्ट मेयर इन्हें डार्विन ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी कहा जाता है याद रखिएगा डार्विन ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी कहा जाता है इनकी रिसर्च फील्ड ऑनिथोलॉजी ऑनिथोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ बर्ड्स टेक्सटोनोमी जू जोग्राफी एवोल्यूशन सिस्टेमेटिक्स हिस्ट्री एंड फिल, फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी है ओके लास्ट में देखिए आप ट्रिपल ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कौन है अनस्ट मेयर ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कौन है अनस्ट मेयर नेक्स्ट पेज पर आइए आप लिविंग वर्ल्ड के लास्ट पैराग्राफ में आप देखें मेटाबॉलिज्म एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट सेल्फ ऑर्गेनाइज जितने भी लिविंग होते हैं वो सेल्फ ऑर्गेनाइज हैं सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म होती है ठीक है मेटाबॉलिज्म एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट सेल्फ ऑर्गेनाइज जितने भी लिविंग हैं वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइज करने की उनमें एबिलिटी पाई जाती है नेक्स्ट पॉइंट है ऑल लिविंग ग्रोइंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इसमें हम करें इंक्रीज इन मास इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन करैक्टर्स ऑफ ग्रोथ ग्रोथ का ट्वीन करेक्टर्स क्या है इंक्रीज इन मास इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि जब ग्रोथ होती है तब मास भी इंक्रीज होता है और इंडिविजुअल की संख्या भी इंक्रीज होती है नेक्स्ट पेज पर आइए सेल ग्रोथ लिविंग में सेल डिवीजन के द्वारा होती है चाहे प्लांट हो यूनिसेलुलर हो या एनिमल हो सब में ग्रोथ सेल डिवीजन के द्वारा ही होती है इन प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन आकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट थ्रू आउट दियर लाइफ स्पॉन और एनिमल्स में ग्रोथ एक सर्टेन एज तक होती है नेक्स्ट पॉइंट देखिए रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में लास्ट में पैराग्राफ के आपके लास्ट में आ जाइए इसमें रिप्रोडक्शन का एक्सेप्शन देखना आपको कि रिप्रोडक्शन सभी में ही होता है ठीक है लेकिन कुछ ऐसे हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है ना डू नॉट रिप्रोड्यूस म्यूल स्ट्राइल वर्कर बी इनफर्टाइल ह्यूमन कपल फिर से है देर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूज कौन कौन से हैं म्यूज स्ट्राइल वर्कर बी इनफर्टाइल ह्यूमन कपल ओके इसमें एक पॉइंट ऊपर देख लीजिए प्लेनेरिया का प्लेनेरिया में ट्रू रिजेनरेशन होती है प्लेनेरिया में रिजेनरेशन पावर बहुत हाई लेवल की पाई जाती है प्लेनरिया को हम कितना ही कट करते रहें यानी कि नए प्लेनेरिया बनते रहते हैं ठीक है ए फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स ए न्यू ऑर्गेनिज्म ठीक है रीजनरेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपने खोए भाग को पुनः बना लेते हैं को हमने दो टुकड़ों में काट दिया दोनों टुकड़े दोनों सेगमेंट्स नए प्लेनरिया में डेवलप हो जाएंगे को हम ये भी कहते हैं ए ऑन नाइफ ए ऑन नाइफ नेक्स्ट पेज पर आ जाइए नेक्स्ट पेज पर देखें आप मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन मेटाबॉलिज्म से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं नेक्स्ट टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म इसको अंडरलाइन कर लें ठीक है फिर से एक बार रिवाइस करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म नेक्स्ट पॉइंट देखें कॉन्शसनेस बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शसनेस क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है एक फीचर होता है एक प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी वो होती है जो ऑर्गेनिज्म गेन करता है और फीचर वो होते हैं जो सिंस बर्थ हैं जेनेटिक हैं ठीक है, है. कॉन्शस भी जेनेटिक होता है लेकिन किस किस के अगेंस्ट वो कॉन्शियस अपने शो करता है वो उसकी प्रॉपर्टी है ठीक है तो कॉन्शियस माने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म नेक्स्ट पेज पर आ जाइए डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड को डिस्क्राइब करने से पहले मैं एक आधा वर्ड आप एक आधा पॉइंट में डिस्कस करना चाहता हूँ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में जेनेटिक मटीरियल होता है डी एन ए होगा या आर एन ए होगा रिट्रो में आर एन ए होता है ठीक है तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में जेनेटिक करेक्टर होता है ठीक है अगर आपको याद आ रहा हो तो प्रियोन्स प्रियंस केवल प्रोटीन के बने होते हैं है ना तो वो अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए है ना होस्ट के डीएनए को यूज करते हैं दूसरा ये कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में म्यूटेशन होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में म्यूटेशन होता है यस yes. डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में देखिए द नंबर ऑफ स्पीशीज आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 से 1.8 मिलियन जितनी है 1.7 से 1.8 मिलियन नेक्स्ट पॉइंट पर दिए नामिनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल वेन ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब करेक्टली। नामिनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल वेन ऑर्गेनिइम इज डिस्क्राइब करेक्टली अगर ऑर्गेनिज्म की करेक्ट इन्फॉर्मेशन है तभी हम उसका नोमिनक्चर कर सकते हैं ओके okay? अगर ऑर्गेनिज्म को उसके नाम के साथ पुकारा जाता है तो उसका आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है ठीक है तो नॉमिनक्लेचर के लिए हमें ऑर्गेनिज्म की करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है नेक्स्ट पॉइंट देखिए ICBN ICBN आईसीबीएन की फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नामिन और इसी तरीके से देखिए ICZN नेक्स्ट लाइन में देखिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नामिन ओके आई सी बी एन आई सी जेड एन आई सी बी एन आई सी जेड एन याद हो गया होगा इंटरनेशनल कोर्ट फॉर बॉटनिकल नॉमिनक्लेचर और दूसरा है इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमिनक्लेचर बायोनोमल नोमिनचर का बाय नोम नोमिनक्लेचर फर्स्ट टाइम बाय नोम नोमक्लेचर प्रोपोज किया था बोहिन ने लेकिन उसके बाद कैरोलस लीनियस ने बायोनोमलेचर के रूल्स रेगुलेशन प्रपोज किए थे बायोलॉजिकल नेम में या साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट्स होते हैं एक होता है जेनेरिक नेम और एक होता है स्पीशीज नेम एक जेनेरिक होता है पर एक होता है स्पीशीज नेम ठीक है नेक्स्ट पेज पे देखिए बायोलॉजिकल नेम जनरली इन लैटिन बायोलॉजिकल नेम हम कौन सी लैंग्वेज में लेते हैं कौन सी लैंग्वेज में लैटिन में लेते हैं क्यों लैटिन क्यों सेलेक्ट करिए आपने क्योंकि लैटिन डेड लैंग्वेज है ना अरे लैटिन डेड लैंग्वेज है इसीलिए लेकिन एक बात याद रखना साइंटिफिक नेम लैटिन में भी हैं कुछ ग्रीक में भी हैं वो आपने मार्क नहीं किया फिर से मार्क लिखें नोट करें कि बायोलॉजिकल नेम लैटिन में भी हैं ग्रीक में भी हैं ठीक है ठीके? लेकिन जो हम बायोनोमल नोम क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें यही कहते हैं कि साइंटिफिक नेम लैटिन में होते हैं ओके और इसको हम इटैलिक लेटर्स में लिखते हैं किस लिखते हैं इटैलिक लेटर्स में फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करता है जीनस को और सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज को जीनस स्पीशीज दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना चाहिए एक साथ नहीं जीनस स्पीशीज दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना चाहिए एक साथ नहीं ना एक साथ नहीं अलग अलग ओके फर्स्ट वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल और स्पीशीज का पहला अल्फाबेट स्मॉल मतलब जीनस का पहला अल्फाबेट क्या है कैपिटल है और स्पीशीज का पहला अल्फाबेट क्या है स्मॉल है मैंगीफेरा इंडिका देखिए मैंगीफेरा में एम कैपिटल इंडिका में आई स्मॉल है नेक्स्ट टाइम में देखिएगा मैंगी फेरा इंडिका के आगे लिखा है लिन एल आई डबल एन लिन फॉर लीनियस टू लिख दे लीनियस को बाद में इसलिए लिखा कि लीनियस नहीं मैंगीफेरा इंडिका का किया या नेमिंग करी इसकी है ना तो जो साइंटिस्ट जिस प्लांट या एनिमल से रिलेटेड होता है उसका नाम का एब्रीवेशन बायोलिकल नेम के बाद में लिख देते हैं लेकिन आप आपने ये भी देखा होगा कि मैंगीफरा इंडिका लिन लिंक आगे लिखा होता सेंटा पॉ सेंटा पॉ का नाम इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि उन्होंने मैंगीफ इंडिका के नेमिंग में कुछ मॉडिफिकेशन किए थे नेक्स्ट पॉइंट आ आजिए अगले पेज पर बल्कि पहले पेज के लास्ट लाइन देखिए आप पहले बिल्कुल लास्ट लाइन लास्ट पैराग्राफ की ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा दिस प्रोसेस of classification is taxonomy external and internal structure along with the structure of cell development cell or development process and ecological information of organism are essential and form the and form the basic of modern taxonomy studies okay अब जो अगला टॉपिक है वो याद करने वाला है क्या है बेसिक्स टू टेक्सोनॉमी बेसिक्स टू टेक्सोनॉमी को मार्क कर दीजिए है ना करेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नॉमिनक्लेचर सी आई सी एन सी आई सी एन करेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नामिनक्लेचर आर द प्रोसेस प्रोसेस डेटा आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी आर द प्रोसेस डेटा आर द बेसिक टू टेक्सोनॉमी नेक्स्ट पॉइंट देखिए सिस्टेमेटिक्स सिस्टमैटिक द वर्ड सिस्टेमेटिक इज डेराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड सिस्टमा क्या मीनिंग है विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म लीनियसटमा नेचुरी लीनियस यूज सिस्टमा नेचुरी ओके द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स इसको याद करना है आपको मार्क कर लीजिएगा द स्कोप ऑफ द स्कोप ऑफ सिस्टेमेटिक्स क्या हैं आइडेंटिफिकेशन नॉमिनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन आई एन सी आई एन सी आइडेंटिफिकेशन नॉमिन कल्चर एंड क्लासीफिकेशन सिस्टमैटिक्स टेक इन टू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म याद रखना सिस्टमैटिक्स में क्या है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ओके बेसिक्स टू टेक्सोनॉमी था सी आई सी एन स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स है आई एन सी और सिस्टमेटिक्स सिस्टमैटिक्स टेक्स इंटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक हिराची है टेक्सोनॉमिक हिराची को मार्क कर लें कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑल कैटेगरीज टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनॉमी हिरारची ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनॉमी हिरारची टैक्सा प्लूरल ये क्वेश्चन आता है टैक्सा क्या है प्लूरल है और टेक्स ऑन सिंगुलर टैक्स ऑन सिंगुलर टैक्सा प्लूरल टैक्स ऑन सिंगुलर टैक्सा प्लूरल है ओके नेक्स्ट पेज पे आ जाए आप नेक्स्ट पेज पे देखिए आप स्पीशीज स्पीशीज टर्म दिया था जॉन रे ने स्पीशीज टर्म प्रपोज बाय जॉन रे ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीशीज एक स्पीशीज को दूसरे स्पीशीज से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स पर ठीक है तो ये देखिए क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंग मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस ठीक है वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंग मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेज ओके देखो मैंगीफेरा इंडिका सोलेनम ट्यूबरोसम पटी कहते हैं पैंथेरा लियो इन तीनों में देखेगा इंडिका ट्यूबरोसम और लियो ये क्या है तीनों स्पीशीज़ हैं और जिनके फर्स्ट वर्ड हैं वो क्या है जेनरा हैं वो क्या है जेनरा ओके सोलिनम इंक्लूड्स स्पीशीज़ लाइक निगरम एंड मेरंजीना सोलिनम जेनरा है इसके अंदर दो स्पीशीज़ हैं जो एनसीईआरटी में डिस्क्राइब की गई हैं वैसे तो और भी हैं ना निगरम भी है मेरंजीना भी है ओके होमो सेपियंस में होमो क्या है जीनस सेपियंस क्या है स्पीशीज और जो हम नाम रखते हैं ह्यूमन का होमो सेपियंस सेपियंस तो होमो जीनस सेपियंस स्पीशीज और अगला सेपियंस है सब स्पीशीज जीनस में दिए ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर करेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जनरा ठीक है जीनस सोलनम इधर इससे पहले लाइन से पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू जेनस सोलेनम ओके okay? देखिए लॉयन टाइगर तो लॉयन टाइगर तो आते हैं कौन से जेनस में पैंथरा में और कैट आती है जेनस फेलिस में कैट बिल्ली इसमें आती है जेनस फेलिस में नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली फैमिली एज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा फैमिली एज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू द जीनस एंड स्पीशीज इसमें देखिए आप जेनेरा सोलेनम पिटोनिया धतूरा आर प्ले इन फैमिली सोलेनेसी ये लाइन याद कीजिएगा सोलिनम पिटूनिया धतुरा को किस में रखा गया फैमिली सोलेनेसी में रखा गया फैलिस को फैमिली फेलाइडी में रखा गया है और कैनिस होता है डॉग उसको रखा गया फैमिली कैनाइडी में ठीक है फैलिस में कैट है ओ फैलिस कैट को कहते हैं और फैमिली कौन सी फेलाइडी और कैनिस डॉग को कहते हैं फैमिली कौन सी है कैनाइडी ओके नेक्स्ट पेज पर आ जाइए ऑर्डर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ऑर्डर है ठीक है इसमें एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है प्लांट फैमिलीज लाइक कॉर्न बोल्बुलसी सोलिनेसी आर इंक्लूड इन द ऑर्डर पॉलीमोनील्स कॉर्न बोल्बुलसी सोलनेसी तो किस ऑर्डर में रखा है पोलीमोनील्स में रखा है किसमें रखा है पोलिमोनियल्स में रखा गया है ओके okay? ऑर्डर कानीवोरा में फेलाइडी और कैनाडी दोनों को रखा गया ऑर्डर कान्डिवोरा में फेलाइडी और कैनाडी को दोनों को रखा गया है फेलाइडी भी और कैनाडी भी नेक्स्ट क्लास में आजिए तो इसमें बस तो इस तो इतना याद करिए याद कर लीजिएगा कि ऑर्डर प्राइमेटा में मंकी है गोरिल्ला और गिब्बन है और इनको क्लास मैमल में रखा गया है मैम्बल्स उसे कहते हैं जिसमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं नेक्स्ट फाइलम में कोई ख़ास पॉइंट नहीं है बिजता से याद कर लीजिएगा नोटोकॉड एंड डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम आर इन फाइलम कॉर्डेटा ये फाइलम कॉर्डेटा का मेन करेक्टर क्या है कि नोटोकॉर्ड होती है और डॉर्सल हो डॉर्सल होलो या डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम होता है नेक्स्ट है आप साइड में जो डायग्राम बना हुआ है टेक्सोनिक कैटेगरी हिराची का उसको मार्क कीजिएगा ठीक है वो आता है ये लीनियस की टेक्सोन हिराची है और ये असेंडिंग ऑर्डर में क्योंकि स्पीशीज़ के बाद जीनस है जीनस बाद फैमिली है फिर ऑर्डर है फिर क्लास है फिर फाइलम या डिवीज़न या किंगडम अगर आपको याद हो तो एनिमल है तो फाइलम यूज़ करते हैं और प्लांट है तो डिवीज़न यूज़ करते हैं अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे ये किंगडम फिर फाइलम या डिवीज़न क्लास ऑर्डर फैमिली और जीनस स्पीशीज तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा इस पेज की आप लास्ट लाइन पर आ जाइए बिल्कुल आखिरी लाइन पर वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम स्पीशीज से जो किंगडम की तरफ चलते हैं द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग है ना गोज ऑन डिक्रीजिंग याद रखिएगा ये गोज ऑन डिक्रीजिंग ओके इसको माफ कर लीजिए नेक्स्ट टेबल में देखिए आप ऑर्गेनाइज विद दियर कैटेगरीज़ देखिए मैन में फाइलम क्या है कॉर्डेटा है क्लास मेम्बर है ऑर्डर प्राइमेट है फैमिली ह्यूमन आईडी है ओके हाउस फ्लाई में देखिए तो फाइलम आर्थोपोटा है क्लास इंसेक्टा है ऑर्डर डिप्टेरा है और फैमिली मसाइडी है जीनस मस्का है स्पीशीज डोमेस्टिका है मैंगो में देखें तो फाइलम डिवीज़न क्या angiospermi. Angiospermi है एनजीस्पर्मी डिवीजन एनजस्पर्मी क्लास डाई कॉटी और ऑर्डर है सेपिनडेल्स और फैमिली एनाकार सी वीट में देखिए डिवीजन एनजर्मी क्लास मोनोकॉटिलीडनी और ऑर्डर है पोएल्स और फैमिली है सी जीनस क्या है ट्राइटिकम स्पीसी क्या है एस्टीम टेक्सोनोमी एड्स अगला टॉपिक क्या है टेक्सोनॉमी एड देखिए टेक्सोनॉमी एड की जरूरत क्यों पड़ती है कि ऑर्गेनिज्म के करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए क्योंकि टेक्सोनॉमी हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में फॉरेस्ट्री में इंडस्ट्रीज में और बायो रिसोर्स में और इनकी डाइवर्सिटी में टेक्सोनॉमी का यूज करते हैं इसलिए हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की करेक्ट इन्फॉर्मेशन और आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत होती है और वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन उसका आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन हमें मिलता है टेक्सोनॉमिकल एड्स से तो टेक्सोमिकल एड्स की नीड क्यों हैं टेक्सोमिकल एड्स की नीड क्यों हैं ऑर्गेनिज़्म के करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए ऑर्गेनिज्म के करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें टेक्सोनॉमिकल नीड्स टेक्सनॉमिकल एड्स की नीड होती है पहला टेक्सोमिकल एड है हर्बेरियम हरबेरियम का आइडिया दिया था लीनियस ने है नर्बेरियम का आइडिया दिया था लीनियस ने हरबेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट डाटा ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन शीट आपको याद याद होगा कि हरबेरियम में हम प्लांट को सुखा कर और प्लांट्स को या प्लांट ऑर्गेन को हरबेरियम शीट के ऊपर चिपका देते हैं ठीक है और हरबेरियम शीट को स्टोर हाउस में हम नेचुरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्टोर करते हैं ठीक है और नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया था बेंथम एंड हुकर ने दिया था नेचुरल क्लासिफिकेशन प्रपोज बाई बैंथम एंड हुकर और क्यों भूल जाते हो भाई नेचुरल क्लासिफिकेशन प्रपोज बाई बेंथम एंड हुकर ओके तो हर्बेरियम हम किसका क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं नेचुरल ठीक है लास्ट टाइम देखिए आल्सो सर्व एज ए क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनोमिकल स्टडीज़ क्विक रेफरल सिस्टम याद कीजिएगा क्विक रेफरल सिस्टम ये लाइन आती है इंपॉर्टेंट है ठीक है और हरबेरियम शीट पर हम इंफॉर्मेशन भी लिखते हैं अबाउट डाटा प्लेस ऑफ कलेक्शन इंग्लिश लोकल बॉटनिकल नेम फैमिली कलेक्टर नेम ये सब भी हरबेरियम शीट के ऊपर लिखा जाता है नेक्स्ट है टेक्सनॉमिकल एड्स में बॉटनिकल गार्डन बॉटनिकल गार्डन को हम यूज़ करते हैं रेफरेंसेस के लिए प्लांट रेफरेंसेस के लिए और आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे बड़ा बॉटिकल गार्डन कौन से हैं द रॉयल बॉटिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड रॉयल बॉटिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड और इंडियन बॉटिकल गार्डन हावड़ा में है इंडियन बॉटिकल गार्डन कहाँ है हावड़ा इंडिया में और एन नेशनल बॉटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है एन नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है ये लखनऊ में ओके okay. म्यूजियम हाँ एक पॉइंट याद रखिएगा बॉटनिकल गार्डन का मेन पर्पस क्या है प्लांट रेफरेंस के लिए और प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए म्यूजियम नेक्स्ट टो टेक्सोनोमिकल एड है म्यूजियम हम बनाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जैसे स्कूल कॉलेज में म्यूज़ियम का मकसद क्या है म्यूजियम का पर्पस क्या है स्टेडी एंड रेफरेंसेस म्यूजियम का पर्पज है स्टेडी एंड डिफेंसेस ओके नेक्स्ट टॉपिक पर दीजिए जूलॉजिकल पार्क जू भी कहते हैं जुलॉजिकल पार्क को क्या कहते हैं जू हिंदी में चिड़ियाघर जुलॉजिकल पार्क का मेन पर्पज है फूड हैबिट और बिहेवियर की स्टडी करना वाइल्ड एनिमल्स के फूड हैबिट और उनके बिहेवियर की स्टडी करने के लिए हम जूलॉजिकल पार्क बनाते हैं जूलॉजिकल पार्क में वाइल्ड एनिमल्स को है ना प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में ही रखा जाता है प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में ही रखा जाता है और ये भी प्रयास किए जाते हैं कि उन्हें नेचुरल इन्वायरमेंट मिले नेक्स्ट टॉपिक है की बड़ा इंपॉर्टेंट है की की इज़ एन एट एक्सोनोमिकल यूज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लान एनिमल आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल की बेस्ड किस पर है सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटीज पर की बेस्ड है कॉन्ट्रास्ट करेक्टर पर उस कॉन्ट्रास्ट करेक्टर के पेयर को कपलेट कहते हैं ओके okay? और की हमें एक ऑप्शन भी देती है है ना अपोजिट ऑप्शन में से एक को चॉइस करना होता है आपको ओके okay? जो अपोजिट ऑप्शन होते हैं उनमें एक को चॉइस करना होता है नेक्स्ट पॉइंट है ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल डीड स्टेटमेंट स्टेटमेंट द की इज कॉल्ड लीड नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट लैंक की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर इस सुपर ऊपर को निकलें टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एस फैमिली जीन एस फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज है ना इन सब के लिए भी टेक्सोनॉमिक की अलग अलग होती है मतलब जो टेक्सोनॉमिक हिराची है उसके हर रैंक की की अलग है टेक्सोनॉमिक हिराची की हर रैंक की की क्या है अलग अलग है ओके नेक्स्ट पेज पर आइए यस फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन रिकॉर्डिंग 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 डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ कैटलॉग आज अदर मीन ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन ठीक है और ये भी हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं ये करेक्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड हमें करते हैं फ्लोरा फ्लोरा कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट और प्लांट इंडेक्स फ्लोरा हमें तीन चीजों के लिए उसमें हैबिटेट प्लांट का डिस्क्रिप्शन है और प्लान इंडेक्स भी प्रोवाइड करता है ठीक है मैनुअल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज मैनुअल आर यूजफुल मैनुअल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एरिया स्पीशीज के नेम्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए स्पीशीज के नेम के आइडेंटिफिकेशन के लिए मैनुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है मैनुअल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज ओके लास्ट लाइन क्या है मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सोन मोनोग्राफ में किसी भी एक टैक्सोन की इंफॉर्मेशन होती हैं ठीक मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन ठीक है क्लासिफिकेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम क्या है टैक्सॉन क्लासिफिकेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम क्या है टैक्सॉन है वैसे स्पीशीज भी है अगर दोनों दे रखे हैं स्पीशीज और टैक्सॉन तो आप मार्क करेंगे टैक्सॉन पर और अगर टैक्सॉन नहीं दिया है तब क्लासिफिकेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम है स्पीशीज लास्ट लाइन देखिए टैक्सोनोमिस्ट ऑल्सो प्रिपेयर एंड डिसमिनेट इंफॉर्मेशन थ्रू 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 मैनुअल एंड मोनोग्राफ टेक्सोनोमिस्ट ऑल्सो प्रिपेयर एंड डिसिमिनेट इन्फॉर्मेशन थ्रू मैनुअल एंड मोनोग्राफ फॉर फर्दर टेक्सोनॉमिक स्टडीज मार्क कर लीजिएगा इसको टेक्सोनॉमिक कीज आर टूल डेट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन करेक्टर्स बेस्ड ऑन करेक्टर्स यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है जो मेन पॉइंट थे मैंने वो आपको मार्क करा दिए ओके okay. मुझे पूरी पूरी बल्कि कन्फर्म है कि आपको समझ में भी आ गए होंगे इन पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा इस चैप्टर के एक आधा क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूं है ना बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल हाँ लिख लें आप देखिए टैक्सोनॉमिक की इज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल्स In the identification taxonomic key is one of the taxonomic tools in the identification classification of plant and animal. It is used in the preparation of it is used in the preparation of monograph and flora monograph and flora. Next which one of the following is considered important in? विच वन ऑफ़ द फॉइंग इज कंसिडर इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिटेट सीड हैबिटेट के डेवलपमेंट की बात चल रही है तो पहला ऑप्शन उन्होंने दिया था फ्री लिविंग गमेटोफाइट दूसरा दिया था डिपेंडेंट स्पोरोफाइट तीसरा दिया था हेट्रोस्पोरी तो हेट्रोस्पोरी हो गया हेट्रोस्पोरी सीड हेबिटेट की ओरिजिन हेट्रोस्पोरी से हुई है ना हेट्रोस्पोरी सबसे पहले किस्म हुई थी जो टेडोफाइट प्लांट है सेल्वीनिया और सेल्जेनेला में है ना टेडोफाइट प्लांट कौन सा है सेल्विनिया और सर्जिनेला में हेटोसपोरी सबसे पहले शुरू हुई थी टेक्सोनोमी टर्म, द टर्म टेक्सोनॉमी प्रोपोज बाई ए पी कंडोले साइंटिफिक नेम शुड बी डराइव फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक दोनों में लैटिन में भी है और ग्रीक में भी है साइंटिफिक नेम शुड बी डराइव फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक बाई केचर ऑफ प्लांट स्टार्टेड फ्रॉम सेवनटीन फिफ्टी थ्री 1753, 1753. Which taxonomy, which taxonomical and providing, which taxonomical adds, sorry, which taxonomical add providing similar to natural habitat for animal? Hmm? Which taxonomical adds providing similar to natural habitat for animal? ऑप्शन दिया म्यूजियम हो नहीं सकता हरिबीरियम भी, भी नहीं है बॉटिकल गार्डन भी नहीं है कौन सा है जूलॉजिकल पार्क जुलजिकल पार्क ओके नेक्स्ट है विच टेक्सटोनोमिकल एड आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया विच टेक्स्ट्रोनोमिकल एड आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ़ नेम ऑफ स्पीशीज याद कीजिए एनसीआर लाइन है ना मैनुअल आंसर क्या होगा इसका मैनुअल रोल ऑफ बी एस आई इन इंडिया बी एस आई का मतलब बॉटिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना रोल ऑफ बी एस बी एस आई इन इंडिया क्या रोल है इसका टेक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट एक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स हैं ठीक है धतूरा किस फैमिली में आता है पेटूनिया धतूरा पेटूनिया किस फैमिली में, में आते हैं फैमिली सोलनेसी में आते हैं वो याद है आपको जो मैंने आपसे कहा था कि फैमिली कौन बोलबलेसी सोलेनेसी वो किसने प्लेस किया गया है ऑर्डर ऑर्डर पॉल में किस बेस पे किया गया है फ्लावर करैक्टर के बेस पर फ्लावर करैक्टर के बेस पर ओके थैंक यू ये फर्स्ट चैप्टर का मैंने आपको अंडरलाइन कर दिए हैं और आपने भी साथ साथ अंडरलाइन कर लिए थैंक यू आप मेरे इस लेक्चर को लाइक like भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा थैंक यू विश ऑल द बेस्ट